बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद श्रेयस अय्यर को यहाँ पे अपने कोच का साथ मिला है। जी हाँ, कौन है वो कोच उसकी भी बात आपको बताते हैं। यहाँ पर वो है केकेआर के कोच, जी हाँ, आईपीएल टीम के उनके कोच हैं यहाँ पर चंद्रकांत पंडित। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि भाई जिस तरह से उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया वो सही नहीं है, उनको तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए था। वो आपके थ्री फॉर्मेट प्लेयर हैं, लगातार वो अच्छा खेल रहे थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन आगे बोलते उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, श्रेयस अय्यर यहाँ पे बाउंस बैक करेंगे और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दोबारा से टीम इंडिया में वापसी करेंगे। काफी सारे सवाल, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खड़े हो गए थे श्रेयस अय्यर को ऊपर को लेकर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्रेयस अय्यर को लेकर ये बातचीत चल रही थी कि जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने एक रणजी मैच खेला, उसके बाद जब वो इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट मैचेस खेल रहे थे उसके बाद वो बाहर हुए क्योंकि उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, वहां पे दिक्कतें नजर आ रही थी। लेकिन वहां पे ये बताया गया कि जब वो ड्रॉप हो गए उनसे कहा गया कि आप जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेला, ना खेलते हुए यहाँ पे, और उन्होंने ये बोल दिया कि भाई चलिए मैं इंजर्ड हूँ यहाँ पर, मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, ये दिक्कतें हैं मेरे साथ इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। ये काफ़ी सारी बातचीत चली यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये दिक्कत थी यहाँ पे या थोड़ा फेक किया, ये भी बातें चल रही थी, और उसी वजह से श्रेयस अय्यर को अपना बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे गंवाना पड़ा। और अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से वो वापसी करते हैं, लेकिन उनके कोच ने उनका पूरी तरह से साथ दिया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को जो बाहर किया है क्योंकि वो लगातार खेल रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।